Hey guys, आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गरीना फ्री फायर का अपकमिंग बिगेस्ट कोलैबोरेशन के बारे में। मतलब अभी तक का गरीना फ्री फायर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कोलैब होने वाला है, जिसके यहाँ पे काफी सारे लीक्स और काफी सारे अपडेट्स निकल गए हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे गरीना फ्री फायर के और भी कई सारे अपडेट्स के बारे में, जो कि आने वाले वो भी 40 अपडेट में आपको देखने को मिलेंगे। और काफी सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। अपकमिंग बुया पासेस एंड बहुत सारी चीजें इसका पार्ट होने वाली है। सभी चीजें इंट्रो में नहीं बता रहा हूं, तो पूरी वीडियो देखने से शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर पूरी वीडियो देख के मेरा काम पसंद आता है, जिस वीडियो को लाइक करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और वीडियोस ऐसी लेके आता रहूंगा। सीधे जंप करते हैं पहले टॉपिक की तरफ को। OB40 के साथ गरीना फ्री फायर काफी बड़े मेजर चेंजेस गेम के अंदर लेके आने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज होगा गरीना फ्री फायर का यूआई इंटरफेस। अगर हम बात करेंगे राइट नाउ लॉबी का जो यूआई होगा, वो पूरा कहीं ना कहीं रिवैम्प करने वाले गरीना फ्री फायर। आपको नया यूआई काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। मिनिमम ऑप्शन और काफी क्लीन आपको यूआई मिलेगा, जहां पे ऑप्शन बटन काफी कम होने वाले और इजिली आप नेविगेट भी कर लोगे अलग अलग ऑप्शन को। मुझे काफी पसंद आया, आप लोग क्या सोचते हो उसके ऊपर मुझे कमेंट करके जोर से बताना। एंड राइट नाउ गरीना फ्री फायर अच्छा वर्क कर रही है इस चीज को लेकर, एक क्लीन यूआई होने वाला है। नए प्लेयर्स और पुराने प्लेयर्स सभी को पसंद आएगा। सेकेंडरी चीज होने वाली गरीना फ्री फायर का अचीवमेंट सिस्टम, जो मुझे काफी पसंद आया। गरीना फ्री फायर आप अचीवमेंट देगी और रिवॉर्ड्स देगी अगर आप कोई पर्टिकुलर माइलस्टोन हिट करोगे गेम के अंदर, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगी और गरीना फ्री फायर का एक सही ट्राई है। जिस तरीके से बीजीएमआई और अदर गेम्स भी अचीवमेंट के ऊपर टाइटल्स देती है, बैनर्स देती है, ये आपको मिलेंगे, मुझे काफी पसंद आ रहा है। अचीवमेंट्स के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर स्किन्स भी मिलेंगे आपको, तो काफी अच्छा वर्क करने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे गरीना फ्री फायर का अपकमिंग मोड के बारे में। तो अभी तक आपको पता होगा गरीना फ्री फायर वेपन कैटेगरी के अंदर काफी सारे मोड्स लेके आती थी अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, बट अगर हम बात करेंगे इस टाइम पे गरीना फ्री फायर का अपकमिंग मोड होगा एक्टिव स्किल्स के साथ। मतलब अगर हम बात करेंगे दो एक्टिव स्किल्स आप लोग एक ही गेम के अंदर यूज कर पाओगे इस पर्टिकुलर मोड के अंदर। और अगर हम बात करेंगे राइट नाउ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं किस तरीके से निकालती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे नए कैरेक्टर्स गरीना फ्री फायर इंट्रोड्यूस करें, जिसको मैंने पिछली वीडियोस में कवर करा, अगर हमने डीजे आलोक और साथ ही साथ सोनिया और अदर चीजों के बारे में अपडेट्स नहीं लिया, तो जाके पिछली वीडियोस में चेकआउट करना, मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूं। एंड अगर हम लोग बात करेंगे इसी के साथ ही साथ गरीना फ्री फायर के अपकमिंग दो बुया पासेस के बारे में, अब आपको मैंने सोनिया के बारे में पिछली वीडियो के अंदर बताया था, बट अगर हम बात करेंगे सोनिया के साथ ही साथ उसका एक सेपरेट बुया पास, एलीट पास बोलने की आदत कभी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल से नहीं जाएगा बुया पास, अभी भी दिल में नहीं आया। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर से बताना। बट अगर हम बात करेंगे जो अपकमिंग बुया पास होने वाले हैं, उसमें एक बुया पास होगा पूरा सोनिया के ऊपर और ये पूरा गरीना फ्री फायर आएगी, फ्री फायर बनाएगी पूरा नैनो साइंस और साथ साथ बायोलॉजी और इस चीजों के ऊपर। देखते हैं किस तरीके से लेके आती है एटॉम्स को लेकर। एक और जो हमारा बुया पास होगा वो हमारे ट्रैप के ऊपर। गरीना फ्री फायर ने पिछले टाइम पे भी हमें ट्रैप की एक थीम दी थी, ट्रैप की थीम को गरीना फ्री फायर ने काफी बार यूज कर लिया। एक तो पूरा आपको पता होगा इलीट पास आया था, बट ये जो बुया पास होगा ये हमारा सेकंड ट्रैप बुया पास होगा, या फिर कह सकते हो कोई पास आएगा गरीना फ्री फायर के अंदर। देखते हैं किस तरीके से इस ट्रैप थीम को निकालती है गरीना फ्री फायर गेम के अंदर। बट अगर हम बात करेंगे गेम के अंदर और भी काफी बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ग्लू मशीन के बारे में, गेम के अंदर पूरा यूआई चेंज करके आप ग्लू मशीन लेके आने वाले। अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर आपको जब गेम के अंदर जाओगे तो ग्लू वॉल शायद आपको रोडों पर कम मिले और यहाँ पे ग्लू मशीन के अंदर ज्यादा मिले, जिसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा वेंडिंग मशीन पर जाकर के। मतलब ग्लू मशीन आपको ऑटोमेटिकली ग्लू वॉल्स देगी, इसके मैक्सिमम कैपेसिटी होने वाली 6 ग्लू वॉल्स, एनी टाइम के साथ आपके लिए ग्लू वॉल जनरेट करती हुई जाएगी। एंड अगर हम बात करेंगे इसके अलावा काफी सारे और भी अपडेट्स हैं जो गरीना फ्री फायर के अंदर आए। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इमोट्स की फाइल्स हमें देखने को मिले, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी इमोट में आपको दिखाई रहा हूं ऑलरेडी कि किस तरीके से होने वाला है। एंड बताया जा रहा है कि ये हमारा कहीं ना कहीं निकल के आएगा बुया पास के अंदर, लेट्स सी किस तरीके से निकल के आता है। एंड आप लोग मुझे जरूर से बताना आपको ये इमोट कैसा लगा कैसा नहीं लगा। साथ ही साथ बात करेंगे गरीना फ्री फायर की समर थीम के बारे में। आपको पता है गरीना फ्री फायर की समर थीम भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, आ भी गई है, कई सारी चीजें गरीना फ्री फायर समर थीम के अकॉर्डिंग लेके आ रही है। विंटर थीम, समर थीम, रिंग थीम, आपको पता है स्प्रिंग थीम, हर एक थीम पे वैलेंटाइन थीम के ऊपर गरीना फ्री फायर अलग अलग स्किन्स बनाती है, मोड्स बनाती है। उसी तरीके से ये हमारा फिशिंग मोड होने वाला है, जो मैं आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई रहा हूं कि यहां पे एक सिली मोड होगा, जहां पे मतलब एक पर्टिकुलर मोशन पे आने के बाद ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा हाथों पर फिश को लेकर के। तो ये भी काफी नई चीज होने वाली, देखते हैं किस तरीके से गरीना फ्री फायर इसको निकालती है। गाइस अब बात करते हैं गरीना फ्री फायर के अपकमिंग कोलैबोरेशन के बारे में। आपको पता होगा गरीना फ्री फायर फ्रीक्वेंटली कोलैब करता रहता है, लगातार कोलैब्स करता रहता है अलग अलग आर्टिस्ट के साथ, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ, अलग अलग इवेंट्स के साथ। बट अब बात करते हैं गरीना फ्री फायर के अब तक के सबसे बड़े कोलैब के बारे में, क्योंकि यहां पर राइट नाउ काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि गरीना फ्री फायर का अपकमिंग कोलैब होने वाला है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। 2023 जून में आपको नेक्स्ट मंथ मूवी मिल जाएगी एंड बताया जा रहा है कि इस मूवी के साथ गरीना फ्री फायर का कोलैब होने वाला है, जिसके बाद काफी कुछ गरीना फ्री फायर में देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूं। जब वेनम का कोलैबोरेशन आता तब भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि स्पाइडर वर्स ही एक ऐसी चीज यार, मतलब मार्वल की तरफ को कोलैबोरेशन मतलब नेक्स्ट लेवल हाई, और अगर गरीना फ्री फायर इसको करने वाला तो बहुत बड़ी चीज होने वाली है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? सबसे पहली चीज तो ये पोस्टर वायरल हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है पोस्टर थोड़ा एडिटेड भी हो सकता है। इस पोस्टर पर मैं इतना भरोसा नहीं कर रहा हूं, बट गेम के अंदर जो डेटा माइनर्स हैं उन्हें कुछ फुटेज मिली है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये फुटेज। आप देख सकते हो ये एक इमोट होने वाला है, और जहां पे इस इमोट को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको लड़की की सबसे पहले शुरुआत में सर के ऊपर थोड़ा स्पाइडर सेंस जैसा नजर आएगा, जैसे स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस नहीं होती है कि आसपास
बॉस कुछ होने वाला होता है और उसके बाद वो वेब थ्रो करना स्टार्ट करती है। भाई ये कुछ होने वाला है मुझे लग रहा है। अगर स्पाइडर वर्स के साथ नहीं भी होगा कोलैबोरेशन तो स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और अगर ये चीज होती है तो इसका सीधे सीधे बेनिफिट ऑफकोर्स ही बात है स्पाइडरमैन की इस मूवी को भी मिलेगा, बट उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट फ्री फायर प्लेयर्स और मतलब आपको पता है कि फ्री फायर को भी गरीना फ्री फायर को मिलेगा अगर ये कोलैबोरेशन आता है, एक इंटरनेशनल ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोलैबोरेशन, टेल मी इन कमेंट्स। एंड भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूं। आप क्या एमसीयू फैन हो या फिर मार्वल फैन हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, अगर हो इस कोलैबोरेशन की खबर से कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट डाउन। तो अब बात करते हैं गरीना फ्री फायर के अपकमिंग पेट पग के बारे में। ये पग नहीं हग होने वाला है जो गरीना देगी गेम के अंदर, क्योंकि राइट नाउ ये जो पेट होने वाला है बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, इसके इमोट्स बहुत अच्छे हैं, बट इसके अंदर एबिलिटीज डालना भूल गए हो भाई साहब। इसमें जल्दी जल्दी एबिलिटीज डालो क्योंकि ये पेट विदाउट एनी एबिलिटी आने वाला है। इस एबिलिटी की स्किल्स ही यही है कि नो स्किल, यहाँ पर जिसकी स्किल्स पेलनी है इसके अंदर पेलो और यहाँ पे मजे लो। समझ नहीं आ रहा कि गरीना फ्री फायर जज्बातों के साथ खेलने में इतनी माहिर क्यों है। मतलब आप बहुत अच्छी चीजें करते हो एक पल के लिए और दूसरी साइड में आप मतलब दुनिया के किसी ऐसे कोने में फेंक देते हो कि भाई जहां पर नेटवर्क ही नहीं आते। ये थोड़ा सा सही करो यार, इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करो, कुछ तो स्किल्स डालो, कुछ तो लेके आओ इसके अंदर पग के साथ। मैं पता है हम स्विच कर सकते हैं स्किल्स को, बट राइट नाउ उसकी भी तो कुछ ना कुछ स्किल्स दो, वरना इस पग को लेने का क्या फायदा। अब वी नेवर नो कि गरीना फ्री फायर का क्या प्लान होने वाला, बट राइट नाउ जहां तक मुझे याद है, मेरे को याद था कि गरीना फ्री फायर ने लास्ट पैच अपडेट के अंदर अनाउंस करा था कि पेट्स को भी शायद फ्री देंगे, तो शायद अगर फ्री आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्री नहीं आता तो। बट अब बात करते हैं इस वीडियो की समाप्ति की तरफ, क्योंकि अब मैं आपको ना कुछ बढ़िया हिंट देके जाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में गरीना फ्री फायर की 6th एनिवर्सरी के बारे में और काफी सारे रिवॉर्ड्स के बारे में, काफी सारी चीजों के बारे में, क्योंकि गरीना फ्री फायर की 6th एनिवर्सरी नेक्स्ट पैच अपडेट का पार्ट होने वाली है। अब 6 साल पूरे पूरे कंप्लीट करेगी गरीना फ्री फायर, क्या नया आने वाला है, क्या देखने को मिलेगा, क्या हमें मिलेगा फ्री में, क्या मिलेगा हमें पेड, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए साथ में लेकर दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर डाल दो और वीडियो को जोर से लाइक करना, क्योंकि आपको पता है आपके एक एक लाइक से एक एक मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा।